तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर हमने कुछ हेडिंग यहां पे दिया गया है, और हेडिंग हमारा क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 60 to 67। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 60 से लेकर 67 तक जो एग्जांपल हमें दिए उसमें क्या करना है, ब्लैंक स्पेस को भरना है ना, फिल इन द ब्लैंक स्पेस के क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। एक करेक्शन बेटा ये है कि यहाँ पे आपका साइन ऑफ 50 डिग्री बाय साइन ऑफ 130 डिग्री है। ठीक है ना, ये साइन ऑफ 50 डिग्री बाय साइन ऑफ 130 डिग्री है। ठीक है, वहां पे बाय मिस्टेक 1/50 डिग्री हो गया था। ठीक है, 150 डिग्री बाय 130 डिग्री हो गया था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ 50 डिग्री बाय साइन 130 डिग्री इज। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर व्हाट, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 50 डिग्री बाय क्या, साइन ऑफ 130 डिग्री की। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, सिंस साइन ऑफ 50 डिग्री बाय साइन ऑफ 130 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो यहां पे देखिए साइन ऑफ 50 डिग्री को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 50 डिग्री को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या हम ऐसा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय क्या, 130। एक मिनट बाय मिस्टेक हमने यहां पे ये कर दिया, 50 डिग्री है ना। ठीक, तो यहां पे देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री है ना। 180 में से अगर आप 130 को माइनस करेंगे तभी तो आपको यहां पे 50 मिलेगा ना, तभी क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। मतलब 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री का ही मतलब क्या होता है, 50 डिग्री होता है, और यहां पे डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल रहा है, साइन ऑफ 130 डिग्री है ना, साइन ऑफ क्या, 130 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है ये कितना होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल चेक करेंगे हमारा एंगल क्या है। एंगल बेटा यहाँ पे क्या है, 180 है। 180 कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारा क्या है, नो चेंज एक्सिस है ना, उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होता। तो साइन का जो है बेटा यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो 180 माइनस थीटा जो है ये कहां पे आएगा, अगर आप 180 में से थीटा को निकाल दे, जहां पे थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, अगर आप 180 में से थीटा को घटा दे जो एक्यूट एंगल है, तो जो आपका एंगल आएगा, जो थीटा बनेगा, वो कहां पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे साइन जो है वो क्या लगेगा, प्लस का लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो है क्या होता है, साइन थीटा। तो वैसे ही साइन ऑफ 180 माइनस 130 डिग्री जो है ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 130 डिग्री हो जाएगा। और बेटा इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ 130 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे ये साइन ऑफ 130 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ब्लैंक स्पेस में हमें क्या भरना है, यहां पे 1 भरना है। ठीक, ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, के इज इक्वल टू 61 इफ के इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 18 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 5π/18 into sine of 7π/18, then the numerical value of k is, then हमें क्या बतानी है, k की numerical value बतानी है। ठीक है, तो अगर k is equals to sine of pi by 18 है, sine of 5π/18 है, और sine of 7π/18 है, तो आपको ये बताना है कि k की numerical value क्या होगी। ठीक है ना, k की numerical value क्या होगी, तो लिखिएगा solution for the question number 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, के इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्या दिया हुआ है हमें यहां पे, पाई बाय 18 है ना, कितना दिया हुआ है, पाई बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय यहां पे कितना है, साइन ऑफ 5π/18 है ना, कितना दिया हुआ है, साइन ऑफ 5π/18 इंटू यहां पे क्या है, साइन ऑफ 7π/18। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल हमें रेडियन में दिए हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम यहां पे क्या है कि जो एंगल हमें रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और देखो डिग्री के फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो पाई बाय 18 रेडियन है ना, पाई बाय 18 रेडियन जो है इसको अगर हमें डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है
तो हमें क्या मिल करना पड़ेगा, पाई बाय 18 को 180 बाय पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 मतलब आपको क्या मिलेगा, 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 10 डिग्री मिलेगा, ठीक। वैसे ही देखो 5 पाई बाय 18 भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 5 पाई बाय 18 रेडियन ये जो है कितना हो जाएगा, 5 पाई बाय 18 इंटू क्या करना पड़ेगा, 180 बाय पाई करना पड़ेगा। तो बेटा पाई पाई जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 वन 18, सो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और इसी के नीचे हम लोग 7 पाई बाय 18 भी निकाल लेंगे, तो 7 पाई बाय 18 रेडियन जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7 पाई बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाय है ना 180 बाय पाई है ना, कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 वन 18 हो जाएगा, 10 इंटू 7 कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो के इज इक्वल्स टू है ना, के इज इक्वल्स टू, इसी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 18, तो साइन ऑफ पाई बाय 18 का ही मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ 10 डिग्री, तो ये हो जाएगा क्या आपका, साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक। उसके बाद देखो साइन ऑफ 5 पाई बाय 18, तो बेटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 18 कितना होता है, 15 डिग्री, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ऑफ क्या, 15 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 7 पाई बाय 18, और 7 पाई बाय 18 का ही मतलब क्या होता है, यहां पे 70 डिग्री है ना, 7 पाई बाय 18 का ही मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे साइन ऑफ 70 डिग्री। तो यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक है ना। और देखो साइन ऑफ 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 50 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री है ना, साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज है ट्रिग्नोमेट्री में है ना, कुछ फॉर्मुलेज है हमारे पास, देखिएगा कुछ फॉर्मुलेज है हमारे पास, जैसे कि देखो हमें ये पता है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है ये क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी है ना, क्या होता है, कॉस ए इंटू क्या, कॉस बी। एक काम करना, पहले ना इसको हम लोअर एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लोअर एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लोअर एंगल्स में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिएगा कि साइन ऑफ 50 डिग्री को ही मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 50 डिग्री को ही मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस माइनस क्या लिख सकता हूं मैं, 40 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना होता है, और यहां पे जो साइन ऑफ 70 डिग्री है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है ना, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है ना, तो साइन का मतलब यहां पे क्या होता है, देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, अगेन हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है कि जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये क्या होता है ना, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहां पे लिखिएगा कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ये क्या होता है, तो यहां पे देखो अगेन 90 जो है वो क्या है, y एक्सिस के ऊपर का एंगल है, y एक्सिस जो है वो कैसा होता है, चेंज एक्सिस होता है, मतलब फंक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहां पे देखिएगा कि साइन का जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और देखो 90 माइनस थीटा कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, 90 माइनस थीटा कहां पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस जो है वो ये कॉस जो है वो भी यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस जो है वो भी यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहां पे देखिएगा कि जैसे कॉस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो वैसे ही हम लोग यहां पे ये साइन ऑफ 10 डिग्री हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 10 डिग्री, और साइन ऑफ 90 माइनस 40 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 40 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ कॉस ऑफ 40 डिग्री लिखेंगे ना, सॉरी क्या लिखेंगे हम यहां पे, कॉस ऑफ 40 डिग्री लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ क्या, 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो जैसे अगेन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन ऑफ 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, यहां पे कॉस ऑफ 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 20 डिग्री, ठीक। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल्स टू ये साइन ऑफ 10 डिग्री जो है इसको मैं फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं, और ये जो कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री है ना, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कॉस ऑफ 40 डिग्री इंटू क्या, कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा,
तो देखिएगा, अब हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज है जिनका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज नोट कर रहा हूँ। जैसे देखो आपको बताया कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जो है ये क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, कॉस ए इंटू क्या होता है कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, माइनस क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी। वैसे यहाँ पे देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी जो है ये क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी, है ना, प्लस क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। तो यहां पे देखो, अब यहां पे मुझे दोनों टर्म्स जो है ना वो कॉस की दिख रही है, ठीक, मुझे यहां पे दोनों टर्म्स जो है क्या दिख रही है, कॉस की दिख रही है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कॉस ऑफ ए, है ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, अगर मैं करूं cos of a plus b plus cos of a minus b अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो cos of a plus b cos of a minus b करता हूं तो cos a into cos b plus cos a into cos b क्या हो जाएगा 2 cos a into cos b, है ना। और यहां पे देखो minus sin a into sin b plus sin a into sin b कितना हो जाएगा plus 0, कितना हो जाएगा plus 0। इसी का मतलब क्या है कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि cos of a plus b, है ना, cos of a plus b प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी जो है ये इसके बराबर में मुझे क्या मिल रहा है 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना, क्या मिल रहा है मुझे 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो हर बार ना, हर बार फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा, ठीक, हर बार हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहना है, नहीं है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नहीं। तो क्या करना, इस समय पे आपको फॉर्मूला जो है वो खुद बनाना होता है। देखो कैसे कि यहां पे मुझे दोनों कॉस के एंगल दिख रहे थे और दोनों कॉस के एंगल जो किस फॉर्मूले में पॉसिबल है, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी में ही पॉसिबल है, है ना, एक तो कॉस ऑफ ए प्लस बी में पॉसिबल है या तो फिर क्या कॉस ऑफ ए माइनस बी में पॉसिबल है, ठीक। तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों का एडिशन किया तो मुझे क्या मिला टू इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, इसी को और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं वन बाय टू इंटू क्या कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, वन बाय टू इंटू कॉस ऑफ क्या ए प्लस बी प्लस क्या लिखा था मैंने कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, क्या लिखा था मैंने cos of a minus b, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं, ठीक है, इसके बराबर में क्या मिला था मुझे, इसके बराबर में क्या मिला था cos a into क्या cos b, है ना, cos a into क्या cos b। तो कहने का मतलब क्या है कि cos a into cos b को ही मैं क्या लिख सकता हूं 1 by 2 into cos of a plus b plus cos of a minus b, ठीक है ना। तो cos a into cos b को ही मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 1 by 2 into cos of a plus b plus what cos of a minus b, so we can write cos a into cos b as 1 by 2 into cos of a plus b plus cos of a minus b, so if we compare the cos this cos a into cos b with the cos of 40 degree into cos of 20 degree, so then we can see here the value of a is 40 degree and the value of b is what 20 degree, so we just have to put the values of a and b in this formula, so if we put the value of a and b in this formula, so what will we get, k is equals to sine of 10 degree sine of 10 degree into what into 1 by 2 into 1 by 2 into cos of a plus b, the value of a is what 40 degree plus the value of b is what 20 degree, so we'll get cos of 40 degree plus 20 degree plus cos of a minus b, so the value of a is what 40 degree, so cos of 40 degree minus what b, the value of b is what 20 degree, so this is 40 degree minus 20 degree and the bracket will get close and the bracket will get close, ठीक। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, then we can write this like as k is equals to 10 degree sine of 10 degree, we will continue on the next slide, so write k is equals to what we got 1 by 2 into sine of what 10 degree into sine of 10 degree multiplied by sine of 40 degree plus 20 degree, what will be, sorry, cos of 40 degree plus 20 degree, what is cos of 40 degree plus 20 degree is cos of 60 degree, then plus see here cos of 40 degree minus 20 degree, so cos of 40 degree minus 20 degree is what 20 degree, so we'll get cos of what 20 degree, this will imply k is equals to 1 by 2 into sine of 10 degree into cos of 60 degree is what 1 by 2, है ना, cos of 60 degree is what root 3 by 2, actually cos of 60 degree क्या होता है
रूट थ्री बाई टू होता है कि वन बाई टू होता है, वन बाई टू होता है, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है कितना हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिएगा कि कॉस ऑफ 20 डिग्री जो है उसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ 20 डिग्री, ब्रैकेट इज क्लोज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू वन बाय टू, साइन ऑफ 10 डिग्री से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 1 बाय 4 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस प्लस क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू क्या, कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब यहां पे देखो अगेन आपको साइन इंटू कॉस की टर्म्स दिख रही है ना, अगेन आपको यहां पे क्या दिख रहा है, साइन इंटू कॉस की टर्म्स दिख रही है। अब साइन इंटू कॉस की टर्म्स है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, तो ये k इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये 1 बाय 4 था ना, ये 1 बाय 4 हो गया और यहां पे कितना आया था 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय 2 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था ना। बात को समझिएगा कि cos ऑफ 60 डिग्री तो यहां पे क्या हो गया, 1 बाय 2 हो गया, है ना, cos ऑफ 60 डिग्री क्या हो गया, 1 बाय 2, तो 1 बाय 2 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री से जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 बाय 4 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, सॉरी साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। नाउ यहां पे देखो साइन इंटू कॉस की टर्म है, साइन इंटू कॉस की टर्म किसमें आती है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी में, तो देखो इसका भी फॉर्मूला हम यहां पे बनाएंगे, है ना, इसका भी फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो बताने को तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, ठीक, बताने को तो मैं डायरेक्ट भी फॉर्मूला नोट कर सकता हूं कि ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें फॉर्मूला याद ना आए तो हम किस तरीके से फॉर्मूले को बना सकते हैं ना, तुरंत जो है वो हम लोग फॉर्मूले को कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिएगा कि दोनों साइन और कॉस की टर्म्स है, साइन और कॉस की टर्म्स जो है किसमें आती है, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी में आती है, ठीक। तो यहां पर देखिएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, प्लस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। और वैसे ही कि साइन ऑफ ए माइनस बी जो है ये क्या होता है, ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस क्या होता है, कॉस ए इंटू साइन बी। सो देयरफॉर If we add sine of a plus b and sine of a minus b, then what will we get? Sine of a plus b plus sine of a minus b. अगर हम sine of a plus b minus sine plus sine of a minus b करें, तो यहां पे देखना sine a into cos b plus sine a into cos b क्या हो जाएगा? 2 sine a into क्या हो जाएगा? cos b हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? cos b हो जाएगा। और cos a into sin b minus cos a into sin b जो है वो वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी, है ना, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 by 2 into, है ना, 1 by 2 into sin of a plus b, sin of क्या, a plus b plus क्या, sin of a minus b, है ना, plus क्या, sin of a minus b, और इसके बराबर में आपको क्या मिलता है, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, क्या मिलता है, साइन ए इंटू क्या, कॉस बी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जैसे साइन ए इंटू साइन बी को वी कैन राइट साइन ए इंटू कॉस बी एज 1 बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सो देयरफॉर साइन ऑफ 10 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री, कॉस ऑफ 20 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाय 4 इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री विल रिमेन एज इट इज प्लस दिस 1 बाय 2 विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज। And now what is the value of sin A into cos B? Sin A into cos B can also be written as 1 by 2 into sin of A plus B plus sin of A minus B. So therefore sin of 10 degree into sin of 20 degree. If we compare this term with the sin of A plus B, so you can see here the value of A is what? 10 degree and the value of B is what? 20 degree, right? Now we can put the value of A as a 10 degree and value of B as a 20 degree in this formula. So what will we get? 1 by 2 into 1 by 2 into sine of A plus B, sine of A is what? 10 degree, B is what? 20 degree. So 10 degree plus 20 degree is 30 degree. We'll get sine of 30 degree, right? Plus what will we get? Sine of A minus B, that is what? Sine of 10 degree minus 20 degree will get minus 10 degree. Minus what? 10 degree. So we will have here K is equals to 1 by 4 into sine of 10 degree plus 1 by 2 into 1 by 2 will be 1 by 4. Then sine of 30 degree is what? Sine of 30 degree is 1 by 2. So you can write here 1 by 2 plus sine of minus 10 degree.
Now what is sine of minus 10 degree? As we know that the sine of minus theta is written as what? Minus sine theta. Sine of minus theta is what? Minus sine theta. So sine of minus 10 theta, what will be the value of sine of minus 10 theta? Sine of minus 10 degree, sine of minus 10 degree will be what? Minus sine 10 degree. The value of sine of minus 10 degree will be what? Minus of sine 10 degree. So we will get here k is equals to 1 by 4 into sine of 10 degree plus, we can multiply by the 1 by 4 inside. If we multiply the bracket by 1 by 4, so we'll get 1 by 4 into 1 by 2 is as 1 by 8 minus 1 by 4 into sine of 10 degree. You can cancel here the 1 by 4 into sine of 10 degree minus 1 by 4 into sine of 10 degree. So we'll get here k is equals to 1 by 8. So we'll get k is equals to what? 1 by 8. So this is the value of k. So the numerical value of k is what? 1 by 8. So you can write in the blank space that 1 by 8 is the numerical value. 1 by 8 is the numerical value of what? Of what? K is equals to sine of pi by 18, sine of 5 pi by 18, and sine multiplied by sine of 7 pi by 18. So the numerical value of k is 1 by 8. Theek? Chaliye. Agle question ki taraf badhte hain hamare. In the next question, we have question number 62. If tan A is equals to 1 minus cos B by sine B, if 1 minus cos B by sine B, then tan twice A is equals to what? So we have to find the value of what? Tan twice A. We have to find the value of what? Tan twice A. So write the solution here. Write the solution here. Solution here. Solution. Now, since, take a since, given, write the given first. What is given? Tan A is equals to, tan A is equals to 1 minus cos B divided by sine B. Tan A is equals to what? 1 minus cos B divided by sine B. So you can see here, sine A is equals to what? 1 minus cos B by 1 minus cos B by sine B. Now we have the formula in the trigonometry. Which is the formula? If you see on the trigonometric formulas table on the trigonometry, if you see the formula in the trigonometry, there is a formula that is 1 minus cos theta can also be written as 2 into sine square theta. 1 minus cos theta can also be written as 2 into sine square theta. ठीक है ना? तो trigonometry में एक formula है कि 1 minus cos theta is equals to what? 2 into sine square theta. Also, we have the formula that is sine 2 theta. Sine theta is equals to what? 2 into actually यहाँ पे theta by 2 होता है, है ना? यहाँ पे theta by 2 होता है. Properly लिखिएगा इसे आप, ठीक है? Properly लिखिएगा क्योंकि ये important है, ठीक है ना? ये क्या है? Important है. तो बेटा 1 minus cos theta जो है ये क्या होता है? 2 into sine square of theta by 2, है ना? क्या होता है? 2 into sine square of theta by 2, ठीक है? और वैसे ही साइन थीटा जो है ये होता है यहाँ पे 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू व्हाट? कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक? कॉस ऑफ थीटा बाय 2. सो देयरफॉर टैन ए इज इक्वल्स टू, देयरफॉर टैन ए इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बी. सो 1 माइनस कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा बाय 2 लिख सकते हैं. तो यहां पे 1 माइनस कॉस बी को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ क्या? थीटा बाय 2, है ना? क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय ये जो साइन बी है. जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है? 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2. तो वैसे ही मैं साइन थीटा को, साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू साइन ऑफ, ठीक है ना, 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू क्या? कॉस ऑफ बीटा बाय 2, है ना? इनटू में क्या लिख सकता हूं? कॉस ऑफ बीटा बाय 2. एक करेक्शन आपको यहां पे और करना है, ये थीटा नहीं है, ये क्या है हमारा? बीटा है, ठीक है ना? क्या है? बीटा है, ठीक. तो जैसे यहां पे देखिए कि 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा बाय 2. तो वैसे ही हम लोग 1 माइनस कॉस बीटा को क्या लिखेंगे? 2 इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ बीटा बाय 2. सिमिलरली जैसे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2. तो वैसे ही साइन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा बाय 2. यहां पे देखो ये स्क्वायर है, तो इसमें से एक साइन बीटा बाय 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा. तो आपको यहां पे क्या मिलेगा? टैन ए इज इक्वल्स टू,
है ना, tan a इज इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ बीटा बाय 2, दिस इज व्हाट, साइन ऑफ बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा बाय 2 विल गेट डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस ऑफ बीटा बाय 2. सो वी कैन राइट हियर tan a इज इक्वल्स टू, tan a इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट tan ऑफ बीटा बाय 2, वी कैन राइट tan ऑफ बीटा बाय 2 नाउ. ठीक, तो tan a इज इक्वल्स टू व्हाट, tan ऑफ बीटा बाय 2. नाउ what we have to find, we have to find the value of tan twice a. So again we have the formula in the trigonometry, that is tan of 2 theta is equals to 2 into tan theta by 1 minus tan square theta. 2 into tan theta is equals to what, tan 2 theta is equals to what, 2 into tan theta by 1 minus tan square theta. So what will be the value of then tan twice a according to this formula, can you tell me please? What will be the value of tan twice a? So tan twice a is equals to what, 2 into tan a divided by what, 1 minus tan square a divided by what, 1 minus tan square a. So you can see here the tan twice a is equals to what, 2 into tan a divided by 1 minus tan square a. Now what is the value of tan a? The value of tan a is tan beta. The value of tan is what, tan beta by 2. So 2 into tan of beta by 2 divided by 1 minus tan square of beta by 2, since tan a is equals to what, since tan a is equals to what, tan of beta by 2. Now as you can see, we got tan 2a is equals to 2 into tan of beta by 2, 1 minus tan square of beta by 2. But again in the trigonometry we have the formula, tan theta is equals to what, 2 into tan of theta by 2 divided by 1 minus tan square of theta by 2. We have the formula in the trigonometry, that is tan theta is equals to 2, tan theta can also be written as 2 into tan of theta by 2 divided by 1 minus tan square of theta by 2. So according to this formula we can see here that 2 into tan of beta by 2 divided by 1 minus tan square of beta by 2 is looking similar to this one. You can see here that 2 into tan of beta by 2 divided by 1 minus tan square of beta by 2 is looking similar to the 2 into tan of theta by 2 divided by 1 minus tan square of theta by 2. So we can see, as we can write 2 into tan of theta by 2 divided by 1 minus tan square of theta by 2. So what we can write in place of the 2 into tan of beta by 2 divided by 1 minus tan square of beta by 2, according to this formula, that will be what, tan of beta. So we'll get tan twice a. Is equals to what, tan beta. So we'll have the value. We can write tan twice a in the blank space. What will we write? Tan beta. So tan twice a is equals to what, tan beta. This is the correct answer. Right? This is the what? Correct answer. ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे.